नमस्ते अन्यासयो, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तक हमने आपको कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ दिखाई, कोरिया में आप कैसे आ सकते हैं इसके बारे में हमने बात करी, बट एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि है जॉब्स इन कोरिया, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं जॉब्स के बारे में बताऊँगा तो शायद इतना अच्छा ना लगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इकबाल, जो कि सर हमारे हनयांग यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर हैं। वेलकम सर। थैंक यू अक्षय फॉर हैविंग मी टुडे। जी सर, थोड़ा सा प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम इकबाल काजी है। मैं एज ए रिसर्च प्रोफेसर हनयांग यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। मेरी रिसर्च फील्ड नैनो साइंस है और मैं कोरिया में करीबन 6 साल से हूँ अभी। ओके सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। मैंने सर को एकदम शॉर्ट नोटिस पे पूछा था, सर ने मतलब एकदम से एग्री कर लिया और मान गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत। तो हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं सर, मतलब 4 पॉइंट मैंने सोचे हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, तो हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। ओके सर, मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर रिसर्च रिलेटेड जॉब्स क्या कोरिया में हैं, क्या रिसर्च रिलेटेड लोग यहाँ पे जॉब करने आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। रिसर्च रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत हैं, जी जैसे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कोरिया में बहुत ज़्यादा हैं। डिफरेंट फेलोशिप्स हैं, जैसे यहाँ पे सबसे अच्छी फेलोशिप एक है ब्रेन पूल एंड ब्रेन पूल प्लस फेलोशिप, जो गवर्नमेंट फेलोशिप है। ओके, ब्रेन पूल एंड ब्रेन पूल प्लस अर्ली स्टेज रिसर्चर एंड एक्सपीरियंस रिसर्चर्स के लिए फेलोशिप होती हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोफेसर एज अ होस्ट अप्रोच करना होता है, उनके थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस करके जी आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं यहाँ पे। ओके सर इसके अलावा IBS एक फेलोशिप है जी जो बेसिक साइंस में रिसर्च होती है। इसके डिफरेंट सेंटर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स में। इसके लिए भी आप इनके वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप प्रोफेसर के थ्रू इसमें अप्रोच करके आप आ सकते हैं। ये बेसिक फेलोशिप्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी फेलोशिप्स होती हैं जी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खुद की फंडिंग की फेलोशिप्स होती हैं, तो इसके लिए आप अप्रोच करके आप यहाँ पे आ सकते हैं आसानी से। ओके सर, जो आपने ये बताया ब्रेन पूल वाली जी और जो इसके साथ आपने और बताई, अगर इनमें से किसी को भी हम गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सारी जाएगी? इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आप गूगल जो पे सर्च कर गूगल पे सकते हैं। सर्च ठीक, करेंगे तो आपको फिल्म मिल ये सब जाएगी। आपको नाम यहाँ पे लिखे हुए इस टाइम दिख रहे होंगे, आप उनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ जैसे कि रिसर्च रिलेटेड, मतलब कोरिया में इस टाइम क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे है, मतलब क्या ज़्यादा चल रहा है? बेसिकली कोरिया की रिसर्च ट्रेंडिंग मटेरियल साइंस में ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल साइंस मटेरियल साइंस में, जी सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में है। जी इसके अलावा AI में अच्छी रिसर्च है कोरिया में। ठीक, तो आप ट्राई कर सकते हैं रिसर्च रिलेटेड इन चीज़ों में। ठीक है, तो सर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। जी नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कभी, कि सपोज़ हम कोरिया आए, हमने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, तो क्या हमें उसके बाद जॉब मिल जाएगी या हमें वापस भारत जाना पड़ेगा? तो सर ये क्वेश्चन है। नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएंगी। आप जी अगर अंडर ग्रेड कर रहे हैं हाँ जी और फिर MS कर रहे हैं और ऑलरेडी आप कोरिया में हैं तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी यहाँ पे कोरिया में साल में 2 मरतबा सेमेस्टर वाइज रिक्रूटमेंट होती हैं, ओपन रिक्रूटमेंट, तो इसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब फेयर्स भी होती हैं, अच्छा आप उसमें अप्लाई करके जॉब आपको मिल सकती हैं। अगर आप MS कर रहे हैं किसी लैब में और आपके प्रोफेसर आपको रिकमेंड करते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है यहाँ पे। हाँ ओके, तो मतलब आपको जॉब मिल सकती है, आप आ सकते हैं, आप जी आइए। ठीक है सर, थर्ड क्वेश्चन ये, मतलब सेकंड तो ये था कि अगर यहाँ के कर रहे हैं, थर्ड ये कि अगर कोई भारत में रह रहा है और वहाँ पे उसने अंडर ग्रेजुएट पढ़ा है, MS करी है, तो क्या वो वहीं से बैठे बैठे अप्लाई कर सकता है यहाँ के लिए? अगर कोई इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली जी तो उनके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं यहाँ पे डायरेक्ट अच्छा जॉब के लिए। जी लेकिन थोड़ी कंपनीज हैं जैसे सैमसंग कंपनी है हाँ तो वो रिक्रूटमेंट करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ से, जैसे IITs हैं अच्छा या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ से वो इंजीनियर्स को रिक्रूट करती हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली, ओके तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने के लिए। ठीक है इसके अलावा आप एक्सपीरियंस्ड हैं और जैसे किसी कंप्यूटिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे सैमसंग मोबाइल बनाती हैं, आप वहाँ पे किसी सोनी नोकिया इनमें जॉब कर रहे हैं तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें एडवांटेज रहेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, जैसे ये तो डायरेक्टली कंपनीज कर रही हैं या हम जॉब कर रहे हैं उसके बाद, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे जाके लोग देख सकते हैं कि भाई मतलब जहाँ पे जॉब्स हों, कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं? एक वेबसाइट यहाँ पे जो ज़्यादातर पोस्टिंग होती है उसमें एक है सारामिन वेबसाइट जो सारा कोरियन मिन में है एक्चुअली, अच्छा तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा फिर आप जॉब्स इन कोरिया एक वेबसाइट है, जी यहाँ भी बहुत सारी पोस्टिंग्स होती हैं।
और इसके अलावा कंपनी प्रोफाइल्स में जाके चेक कर सकते हैं, बट अगेन आपको डायरेक्ट आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस कम थोड़े से कम है। और फिर लिंक्डइन प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं कंपनीज की, वहाँ भी पोस्टिंग्स होती हैं। अच्छा जी, तो ये सब आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा और आप चेक कर सकते हैं मतलब डायरेक्टली कंपनीज की प्रोफाइल पर जाके भी। ठीक है सर, ये जो हमने 3 क्वेश्चन बात करें ये मेजरली रिलेटेड टू यू नो साइंस बैकग्राउंड था, तो अगर हम कॉमर्स की बात करें तो क्या कॉमर्स के लिए कुछ है? कॉमर्स के लिए जॉब्स हैं अगेन कम हैं थोड़ी अपॉर्चुनिटीज, जनरली आप एक्सपीरियंस्ड हैं और यहाँ पे कोई लॉजिस्टिक एंड ई कॉमर्स कंपनीज आप हायर करना चाहती हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपनी है कूपन, अच्छा, जो ई कॉमर्स कंपनी है जी। और आप इंडिया में किसी ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन इंडिया में जॉब कर रहे हैं, अच्छा, तो आपके पास एडवांटेज है, अच्छा, चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, आपके भी चांसेस हैं, लग रही है हो जाएगा अगर आपको आना है तो। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने इन चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। अच्छा, मेरे को एक चीज़ छोटा सा क्वेश्चन है सर, क्या कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पे जॉब करने के लिए अगर वो चीज़ आती हो तो एडवांटेज है? मेन एडवांटेज यहाँ पे अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है बेसिक, ओके, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। आपके प्रोफेशनल स्किल्स के साथ अगर कोरियन आती है, आपने यहाँ पे ग्रेजुएट किया, एजुकेशन यहाँ पे की है जी, और कोरियन भी आप सीखे हैं जी, तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इंटरव्यू क्लियर करें और आप जॉब विन कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट मैंने बताई है इसमें सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही जॉब्स नहीं पोस्टिंग होती, इसमें जैसे आप कॉमर्स की बात पूछ रहे थे मुझे, तो ये जॉब पोस्टिंग भी होती हैं, तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए, इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, ये बहुत जरूरी था जी, थैंक यू। ये सब वेबसाइट्स आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे लिखी हुई दिख रही होंगी, आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये जो भी आपने वेबसाइट्स बताई ये मतलब कोरियन है और इन चीज़ों पर पोस्ट करी जाती है, तो इसके अलावा कुछ ऐसा भी है जहाँ से थोड़ा सा इजीली लोगों को पता चल जाए जॉब्स के बारे में या कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ ऐसा? इसके लिए एक इंडियन कम्युनिटी है ISR के, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ओके, और अदर देन जॉब एजुकेशन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे कोई MS के लिए, PhD के लिए या फिर अंडरग्रेड के लिए आना चाहते हैं जी, तो इनकी ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है। अच्छा, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी सारी। ठीक है, तो सर ये ISR के जो बता रहे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे है? ISR के सारे प्लेटफॉर्म हैं, स्पेशली आप अगर फेसबुक में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल्स हैं इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और यूट्यूब में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये जो सर ने बताया ISR के बारे में, मैं इन तीनों ग्रुप्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन करके चेक देख सकते हैं, शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया, और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, नो प्रॉब्लम। और ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।